निशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव दुकानदार के संपर्क में आए 3 लोग भी निकले संक्रमित, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 5 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें से 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव दुकानदार के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं एक और मरीज रायपुर एम्स में कार्यरत कर्मचारी की पत्नी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी कोरोना संक्रमितों के इलाके को जिला प्रशासन की टीम कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी कर रही है। 13 IPS समेत 15 अफसरों के ट्रांसफर। अजय यादव होंगे रायपुर के नए SSP। वहीं रायपुर के SSP आरिफ शेख को उप महानिरीक्षक EOW ACB का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार ठाकुर को दुर्ग SP का चार्ज दिया गया है। वहीं TR को शामा को सरगुजा का SP बनाया गया है। इंदिरा कल्याण एलेसेला को बलौदा बाजार का नया SP बनाया गया है। रामकृष्ण साहू बलराम SP, बालाजी सोमवार जसपुर SP, सिद्धार्थ तिवारी कोंडागांव के SP बनाए गए हैं। 13 IPS समेत 15 पुलिस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट में 7 जिलों के SP बदले गए हैं। वहीं अजय यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का दौरा कार्यक्रम स्थगित। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का आज बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का दौरा कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रुके श्रमिकों ने सरपंच को जमकर पीटा। बेमेतरा जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने सरपंच को पीटा है। जानकारी के अनुसार यह मामला बरेला ब्लॉक के मोहभट्टा गांव का है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण तोड़ने को लेकर विवाद हो गया है। इसके बाद भड़के मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर की दीवार को फांदकर सरपंच को मारने दौड़ पड़े। मौके पर ही जमकर उसकी पिटाई कर दी। इधर गांव के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी साझा पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम ने स्थिति को काबू किया। पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। देश में 19,459 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 5,48,318 है, जिसमें 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,21,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 2,10,000 है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हल्ला बोल। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में करेगी प्रदर्शन। देश में कोरोना वायरस की मार, ऊपर से लॉकडाउन में ठप हुए कारोबार से आम आदमी परेशान है। इस सब के बीच पिछले करीब 3 हफ्ते से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार सुबह एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बोलने की अपील की। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि आइए स्पीक अप इंडिया अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन से जुड़े। आज से शुरू हुई तत्काल टिकट बुकिंग सेवा, रेल यात्री 30 जून से अपनी यात्रा के लिए तत्काल टिकट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सुबह 10 बजे से AC क्लास और सुबह 11 बजे से स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। सौरव गांगुली ने किया साफ, कब मैदान पर उतर सकती है टीम इंडिया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज के जरिए कोरोना काल में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना है कि अगस्त से पहले भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू नहीं किया जा सकता। टीम इंडिया ने मार्च के मध्य से ही कोई इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में सभी स्पोर्ट्स इवेंट या तो रद्द कर दिए गए या फिर स्थगित हो गए। सौरव गांगुली ने साफ किया है कि अगस्त तक तो भारतीय क्रिकेट टीम के मैदान पर उतरने के आसार नहीं है। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म को देख भड़के यूजर्स, ट्रेंड हो रहा बायकॉट नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक बार फिर सुर्खियों में जगह बना ली है और इसकी बुरी तरह आलोचना हो रही है। नेटफ्लिक्स को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है, साथ ही इसे बायकॉट करने की भी मांग हो रही है। इसका कारण है तेलुगु फिल्म कृष्णा एंड हिज लीला। कृष्णा एंड हिज लीला में एक कृष्णा नाम के लड़के के ढेरों अफेयर्स की कहानी दिखाई गई है, जिससे देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
लोग फिल्म के किरदार कृष्णा की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि फिल्म में कृष्णा की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम राधा है। इस बात को देखते हुए लोगों का गुस्सा भड़क गया है। ट्विटर पर तेजी से बायकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने किसी भी धर्म के भगवान का अपमान ना करने की अपील करते हुए नेटफ्लिक्स की आलोचना की है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।